हेलो दोस्तों, फाइनली पीडीयू के ऊपर भी वीडियो आ ही गया। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि मैं कॉलेज के इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जिसके अंदर मैंने टॉप 10 कॉलेजेस ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है कि जिसके अंदर DAACCT, LD, निरमा, BBM, DDU ये सारी कॉलेजेस ऑलरेडी कवर हो चुकी है। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये पर्टिकुलर होने वाला है पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, विच इज़ फॉर्मली नोन एज दी पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, सॉरी पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर दोनों का नाम एक ही है, चाहे आप PDEU बोलो या फिर PDPU बोलो, ठीक है। गांधीनगर में तो यहाँ पर PDPU के नाम से ही ये पूरा एरिया फेमस है। इसके पास में आने वाला PDPU ब्रिज या फिर PDPU हॉस्टल, तो ये यहाँ पर 2-3 साल पहले यहाँ पर PDPU को यहाँ पर PDEU रीनेम कर दिया गया है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बोल दिया, गांधीनगर के आउटर एरिया में रायसन एरिया आता है कि जहाँ पर ये इसका बहुत बड़ा कैंपस लोकेटेड है। PDPU के अंदर यहाँ पर इंजीनियरिंग के साथ साथ बहुत सारी दूसरी यहाँ पर स्टडीज भी होती है, जैसे कि MBA की स्टडीज हो गया और यहाँ पर दूसरे सारे कोर्सेज भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही प्रिकॉशन में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर PDU के नाम से धोखा मत खा जाना प्लेसमेंट के नाम से। यहाँ पर मेक श्योर करना कि आप जो प्लेसमेंट देख रहे हो वो यहाँ पर पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज का ही देख रहे हो, ना कि ओवरऑल प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो काफ़ी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, कुल मिला के 1260 यहाँ पर सीट्स आपके पास अवेलेबल है, कि जिसके अंदर यहाँ पर इसका डिवाइड बाई 2 हो जाता है तो वो होता है 630, जिसके अंदर भी यहाँ पर देखना पड़ता है कि NRI कोटा ACPC के अंदर आता है या फिर मैनेजमेंट कोटा दूसरा यहाँ पर खुद अपने पास रहता है। तो ये यहाँ पर परसेंटेज आपको देख लेने चाहिए एक बार। अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पर कॉलेज काफ़ी अच्छी है कि जिसके अंदर यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की 60 नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ पर केमिकल और सिविल की 120 नंबर ऑफ सीट्स, कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा 240, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम ये ब्रांच यहाँ पर मुझे नहीं लग रही है कि जिसकी 60 नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल और EC इंजीनियरिंग की 120, ICT की 180, मैकेनिकल और पेट्रोलियम की यहाँ पर 120 नंबर ऑफ सीट्स मिला के कुल मिला के ग्रांड टोटल बनता है 1260 नंबर ऑफ सीट्स। तो यहाँ पर सीट्स तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। लोकेशन इसकी गांधीनगर में है, यहाँ पर कैंपस के अंदर ही बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, मेस और ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस भी यहाँ पर अवेलेबल है। जब भी आप कैंपस विजिट करने जाओ तो मेक श्योर एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा सुना था कि अगर आप PDPU में पढ़ते हो तो फिर यहाँ पर आपको कंपलसरी उसी के हॉस्टल में ही रहना पड़ता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर रूल्स होता है। आई एम नॉट श्योर, एक बार जब भी कैंपस विजिट करने जाओ तो ये ज़रूर से रूल देख लेना। फीस की बात करें तो ये यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की है, बट मैं यहाँ पर मोटा मोटा मान के ले लीजिए कि 1 साल की 2.5 लाख तो फीस डेफिनेटली होने वाली है, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर ट्यूशन फीस अलग से आपको देनी होगी, एग्जाम फीस अलग से देनी होगी, बाकी सारे यहाँ पर छोटे मोटे खर्चे आपको सब कुछ इंक्लूड करके 1 साल का यहाँ पर 3 लाख कंसिडर करके चलिए तो 4 साल का यहाँ पर 12 लाख के आसपास यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडीज के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर PDU ये आप इसका प्लेसमेंट देख लेना तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या इतनी हाइएस्ट फीस के सामने प्लेसमेंट is justifiable or not. Once you go to the website, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितने number of companies आती है। बाकी यहाँ पर last में मेरा opinion यही रहेगा कि इसके सामने आप यहाँ पर निर्मा, LD या फिर DAACCT, VGEC जैसे कॉलेज को भी opt कर सकते हो अगर fees wise देखे तो, ठीक है। So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.